हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशन्स ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। सोलन के अश्वनी खड्ड का पानी अभी तक साफ नहीं हो पाया है, जिस कारण सोलन के लोगों को खासी समस्याएं हो रही हैं। साधुपुल के लोगों के अनुसार वे अभी भी इस काले पड़े पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और इसे लेकर 3 मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि अश्विनी खड्ड सोलन के लोगों के ही काम नहीं आता, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के पीने और खेती बाड़ी में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गंदगी घुल जाने से सभी परेशान हैं। ग्रामीणों का यहां तक का कहना है कि इस पानी को लोग तो दूर पशु भी मुंह नहीं लगाते। पानी काला तो पड़ ही गया है, साथ ही कीड़े भी पानी में देखे जा रहे हैं। साधुपुल के ग्रामीणों का कहना है कि वे इस पानी को पीने के अलावा पशुओं और खेती में भी इस्तेमाल करते हैं। कई दिनों से इस समस्या को वे उठा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। इस कारण वे 3 मीटिंग भी कर चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्यटक भी यहां पर आकर इसकी बदबू सूंघ रहे हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द इसका समाधान निकाला जाए। IPH अधिशासी अभियंता रविकांत शर्मा ने कहा कि विभाग ने पिछले दिनों अश्विनी खड्ड के पानी के सैंपल की रिपोर्ट चेक की है, जो ठीक आई थी, लेकिन साधुपुल इलाके में पहले भी समस्या आई थी जो ठीक पाई गई थी, लेकिन अभी अगर स्थिति दोबारा ऐसी है तो उसे विभाग चेक करवाएगा और जल्द समस्या से छुटकारा दिलाया जाएगा। नमस्कार। पहले तो इस वीडियो को देखने वाले हमारे जितने भी मित्र हैं, चाहे वो सरकार से जुड़े हैं चाहे प्रशासन से जुड़े हैं, आज हम यहाँ साधुपुर में खड़े हैं और यहाँ की हमारी जो मुख्य धरोहर है, हमारी यहाँ पे बहने वाली अश्विनी खड्ड, हम इसके बारे में बहुत चिंतित हैं। इसलिए लगातार इस महीने में हमने, आज हमारी ये तीसरी मीटिंग है कि इसमें जो ये जहर बह रहा है, इसका पानी जो दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसके विषय में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए कि इसका क्या हल निकाला जाए, और हम आपको भी दिखाएंगे। मैं निवेदन करूँगा हमारे वीडियो बनाने वाले भाई से कि थोड़ा सा जो झाग जो जहर इसमें पानी में बह रहा है, और गिलास के माध्यम से भी हम आपको सैंपल दिखाएंगे कि किस तरह ये जो पानी, देखो जो हमारे यहाँ के गांव के लोगों का जीवन है, और ये पानी आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा गंदा पानी यहाँ पर बह रहा है। इतनी ज़्यादा बदबू और इतने ज़्यादा इसमें कचरा और सीवरेज यहाँ से गुजरती है। मैं ये कहूँ कि इसे आदमी तो छोड़ो, पशु भी, हम दिखाएंगे कि पशु भी इसमें मुंह नहीं लगाता है। तो इतना गंदा पानी लगातार हमारे यहाँ साधुपुल में ये आ रहा है, ये शिमला से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन चिंता इस बात की है कि ये जो जहर यहाँ से लगातार बह रहा है, अगर वक्त रहते इसका जो है ख्याल सरकार ने नहीं किया या इससे जुड़े हुए विभागों ने नहीं किया, तो ये आने वाले समय के लिए हम लोगों के लिए, क्योंकि हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हमारा जीवन इस पर आधारित है, यहाँ से पानी हमारे खेतों को जाता है, हमारे यहाँ पशुओं को ये पानी पिलाने के लिए हम लोग मजबूर हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और सबसे शर्म की बात ये है, बाहर से आने वाले पर्यटक जब इसकी बदबू सूंघ कर यहाँ से भागते हैं तो यही बोलकर जाते हैं कि कितना सुंदर ये पानी 4 साल पहले होता था, और आज ये पानी आपके सामने बिल्कुल ऐसा सीवरेज का नाला बन चुकी है ये खड्ड कि हम आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप लाइव देख रहे हैं कितना झाग यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग सभी छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं और हम खुद चिंतित हैं इस विषय को लेकर, और सरकार से भी निवेदन है कि इस बारे में लगातार उनको विचार करना चाहिए। और ये जो हमारा पानी हमारी आंखों के सामने आज सीवरेज का नाला बन गया है, कभी ये नदी हुआ। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।